हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग में स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देने रामपुर बरेली में। अभी देखते हैं बस अड्डे पे पहुंचेंगे, फिर हम लोग जाएंगे वहां पे, देखते हैं कैसे जाना है। पहली बार जा रहे हैं रामपुर बरेली। अगर हम लोगों का सेंटर अगर कानपुर जाता तो हम लोगों को रोड पता है वो, मगर इधर रामपुर बरेली कभी हम लोग गए नहीं हैं। देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहना एंड तक, ठीक है। हम लोग बैठे हुए हैं ई रिक्शा में, आप लोग देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा में बैठे हुए हैं। अब हम बस स्टॉप पे पहुंच के अभी देखते हैं बस मिलती है रामपुर बरेली के लिए या बरेली जाएंगे। अगर बरेली से मिल गई, अगर डायरेक्ट मिल गई तो उस पर बैठ के चले जाएंगे, नहीं तो हम लोग अभी बरेली तक का तो प्लान है। कुछ लोग बोल रहे थे बरेली तक का मिलेगा, चलिए देखते हैं बस अड्डे पे पहुँच के। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं बस स्टॉप पे, आप लोग देख सकते हो हम लोग बस स्टॉप पे आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन सी बस मिलेगी रामपुर बरेली के लिए। अभी देखते हैं बरेली के लिए हम लोग बस स्टॉप पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं रामपुर बरेली की मिलती है तो बस मिली ना। अरे क्या करें बताओ, क्या करें, परेशान है बताओ हम लोग क्या करें, बस ही नहीं मिल रही। देखो कितने लोग खड़े परीक्षा देने, आप लोग देख सकते हो। हम लोग बरेली पहुंच चुके हैं और अब रामपुर की बस देखते हैं कहां मिलेगी। पुराने बस अड्डे लोग बोल रहे हैं कि पुराने बस अड्डे पे मिलेगी। आप लोग देख सकते हो हम बरेली पहुंच चुके हैं। अभी देखना है रामपुर वाली बस पे बैठ के, रामपुर पहुँच के फिर वहाँ आपको दिखाते हैं कैसे पहुँचेंगे हम लोग। अभी पुराने बस अड्डे पर जाएँगे। अभी मैं बरेली पहुंच चुका हूं सैटेलाइट पे, आप लोग देख सकते हो हाईवे पे। देखिए तक वहाँ पर जाएंगे हम लोग, कहाँ से मिलेगी सवारी है भाई। देखिए सैटेलाइट पे आ चुके हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं बरेली सैटेलाइट। अभी मैं पुराने बस अड्डे जाके फिर मैं देखता हूँ रामपुर की बस वहाँ से मिलेगी। लोग बता रहे थे अभी वो बंदे देखिए घूम रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं मैं हाईवे पे हूँ। और जैसे कि ब्लॉग वाले भोले बहुत लूट रहे हैं, चल रात पे रात का 12 बज रहा है, आप लोग देख सकते हैं 12 बज चुके हैं। और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही है यहाँ पे, इसलिए सर्दी लग रही है क्योंकि ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में लग जाता है ये। सैटेलाइट से हम लोग अब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से अब हम लोग ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन है अभी मेरे पास 12:35 पे ट्रेन है, वहाँ पे जाएंगे ट्रेन से जाएंगे। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं बरेली रेलवे स्टेशन पे हम लोग हैं। और थोड़ी देर में हम लोगों की ट्रेन है, हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। बस तो मिल नहीं रही थी वहाँ पे, अब हम लोग ट्रेन से निकलेंगे। अभी 12:35 पे हम लोगों की ट्रेन है, अभी देखते हैं ट्रेन तो मिल जाएगी। मैंने टिकट भी ले ली है, अभी देखते हैं किस समय हम लोग पहुँचते हैं। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी ट्रेन। अभी हम लोग देख रहे हैं टिकट विकट देख रहे हैं किस साइड मिलती है, फिर अंदर एंट्री करेंगे। अभी हम लोग टाइम से पहुंचना है सुबह, अगर हम लोग पहले पहुंच जाएंगे तो ठीक रहेगा, वहां पे आराम कर लेंगे जाके। Thank you.
लोग रामपुर पहुंच चुके हैं और सुबह देखते हैं सेंटर कहां पे है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग रामपुर पहुंच चुके हैं, रामपुर रेलवे स्टेशन। लोग जा रहे हैं बाहर अब सेंटर के पास। आप लोग देखना सेंटर ढूंढने के लिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए बाहर निकल रहे हैं, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोदी एकेडमी रामपुर बरेली। आप लोग देख सकते हो हम लोग कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं और ये अभिषेक आया है मेरे साथ, इसका फर्स्ट मीटिंग है पेपर। अभी ये मेरे साथ जाएगा मेरा पेपर दिलाने के लिए 3 बजे से 5 बजे तक, फिर हम लोग घर पे निकलेंगे। देखते हैं कितनी देर में लौट के आता। ठीक गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरा सेकंड मीटिंग में अभिषेक अभी गया है पेपर देने के लिए और हम बाहर निकल आए कॉलेज से। उसका 12 बजे पेपर छूटेगा तो मेरा 2 से 4 है पेपर। आप लोग देख सकते हैं बाहर निकल आया, कुछ चाय वगैरह पी रहे हैं, 7 बज चुके थे। बंद करो तो, बंद करो बोला तो हम पासवर्ड पाँच कुछ करो तो बोए कौन समझ नहीं मेरे 65 पॉइंट से मरिए हो तुम पॉइंटन रजात करे उस पॉइंट में तुम आए तो ठीक ना है तो गए। अभिषेक भैया पेपर दे आए हैं। अभिषेक कैसे हो पेपर तुम्हारा? सही हो हैं? सही बनो। अच्छा अब तुम्हारा होगा, देखा तुम्हारा कैसे जा रहा होगा। हम जा रहे भैया, देखो अभिषेक तो बता रहे हैं कि बेकार वो मेरे बेकार ही खत्म। देखो क्या हो रिजल्ट आओ तब देखते हैं क्या होता है इनका। अब मेरा पेपर है 2 बजे से, देखो भैया पैदल चल रहे हैं। देख देखो अब हम सेंटर पे पहुंच के तुम्हें दिखाए। अब हम लोग रामपुर में हैं, मेरा 3 से 5 है पेपर। पेपर बता रहे ये बहुत कठिन आया है, चलो देखते हैं। ठीक
मेरा पेपर हो गया, 5 बजे मेरा पेपर हो गया था। मैं अब बरेली पहुंच गया हूं। बरेली में मुझे लगभग 8 बजे मैं पहुंचा था। वहां लगभग 2 घंटे तक मैं घूमता रहा, अभी भी मैं घूम रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। लगभग 2 घंटे के बाद मुझे बस मिली है यहां से फरुखाबाद के लिए। फरुखाबाद के लिए कोई बस नहीं है यहां पे। बच्चे स्टूडेंट बहुत परेशान हैं, आप लोग देख सकते हो। बहुत भीड़ थी यहाँ पे सैटेलाइट पे, और मुझे 2 घंटे बाद बस मिली। फिर मैं फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। लगभग 3:30 बजे हम घर पहुँचे हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक।